गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीपीएल परिवार हैं हरियाणा में, यानी कि जो राशन धारक हैं, जिनको राशन मिलता है बीपीएल कार्ड पर और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे है। तो दोस्तों, उनके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जैसा कि जहां पर लिखा हुआ है, हरियाणा खाद्य एवं पूर्ति विभाग की बैठक आयोजित है। राज्य मंत्री राजेश नागर ने की अध्यक्षता। राज्य राशन डिपो पर खाद्य सामग्री के समय पर वितरण करने के लिए निर्देश। दिन में 2 बार खुलेंगे राशन डिपो, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के दौरान खुले रहेंगे राशन डिपो। तो दोस्तों, जब राशन वितरण होगा तो दिन में 2 बार राशन डिपो खुला करेगा। तो दोस्तों, पूरा राशन वितरण तक रोज़ खुलेंगे डिपो। राशन वितरण में कोताही करने वाले बलों पर होगी कार्रवाई और दोस्तों, राशन डिपो पर लगेंगे CCTV कैमरे। राशन वितरण की शिकायतों में कमी आएगी। तो दोस्तों, गरीबों को उनका हक समय पर मिले सरकार की पहली प्राथमिकता। और दोस्तों, राशन वितरण प्रणाली में आने वाली कमियों को जल्द किया जाएगा दूर। समय पर राशन वितरण के लिए बनाई जाएगी व्यवस्था। तो दोस्तों, देख बहुत बढ़िया खुशखबरी है। जब आप राशन लेने जाओगे तो आपको ये नहीं होगा कि आज दुकान खुलेगी राशन की या फिर नहीं। तो दोस्तों, आपको दिन में 2 बार आपका समय जब भी लगे आप राशन ले सकते हो अपना डिपो से, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक और शाम को 5 से लेकर 8 बजे के तक कभी भी आप अपना राशन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है बीपीएल परिवारों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।